वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोक नसीम का कहना है कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, तनकीद करना उसका हक है लेकिन मुल्क से फेक न्यूज़ का खात्मा ज़रूरी है। उनका मजीद कहना था कि जजेस और खातूनी अवल से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गईं, पीका ऑर्डिनेंस मीडिया पर कदगंज से मुतालिक नहीं है। कराची से ये रिपोर्ट। कराची में वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को रियासत का चौथा सुतून करार दिया, साथ ही वाजे कर दिया मुल्क में अब फेक न्यूज नहीं चलेगी। उनका कहना था कि जदीद दौर में मीडिया की बहुत अहमियत है, ताहम पीका ऑर्डिनेंस मीडिया पर पाबंदियों से मुतालिक नहीं है। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान से मुतालिक झूठी खबरों में भारत का बड़ा हाथ है। उनका कहना था कि आइन में फेक न्यूज की कहीं इजाजत नहीं। पीपल्स पार्टी ने अगर इस कानून को मुस्तरद कर दिया है तो क्या वो फेक न्यूज चाहते हैं? अटेम्प्ट है मीडिया को गैग करने की, बिल्कुल गलत है। सिर्फ जो इशू है वो ये है कि फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। डिसइंफॉर्मेशन लैब जो थी ईयू वाली, वो इंडिया था उसके पीछे, तो ये फेक न्यूज का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने अगर इन कवानीन को रिजेक्ट कर दिया है तो शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि फेक न्यूज हो, तो वो अच्छे हमारे दोस्त हैं यार, भाई है, असा जो भाई। फरोक नसीम का कहना था कि कुछ लोग मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा करना चाहते हैं। फेक न्यूज का 6 महीने में ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तो हाई कोर्ट मुतालिका जज से पूछेगा, जज हाई कोर्ट को मुतमाइन न कर सका तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि उसके अंदर जो हाई कोर्ट है, रेलिवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म किया, और अगर उसके रीजंस प्लॉजिबल नहीं होंगे तो फिर उसके अंदर उस जज साहब के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। वफाकी वजीर का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की गई, खातून अव्वल के हवाले से तलाक की खबरें चलाई गईं, पीका कानून सबके लिए होगा। उनका कहना था कि पीका और इलेक्शन एक्ट का ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं, मुआशरे की बुनियाद झूठ पर हो तो क्या मुआशरा बनेगा। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। PBA, APNS, CPNE और PFUJ पर मुश्तमिल मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस मीडिया की आज़ादी सलब करने की कोशिश है, जिससे इजहार राय की आज़ादी पर कतगन लगाने की राह हमवार होगी। मीडिया की आज़ादी सलब करने के खिलाफ तमाम मीडिया हाउसेस पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालफत करेंगे और चाराजोई करेंगे। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ऑर्डिनेंस को हुकूमत की जानिब से ज़ालिमाना एजेंडे को लागू करने की कोशिश करार दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करने पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने खबरदार किया है कि ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, कहने को तो ये मीडिया और अपोजिशन की आवाज बंद करने के लिए है, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर न कहना बताया नहीं। वजीर बल्दियात से नासिर शाह का कहना है कि मौजूदा नाहल हुकूमत ने आज़ादी सहाफत पर जितनी कदगन लगाई इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इनको आईना दिखाया जाए तो बुरा मान जाते हैं। पहले IMF इमरान खान को चुड़ैल लगती थी, जब फंस गए हैं तो मिस वर्ल्ड लगने लग गई है। आजादी सहाफत पर जितनी कदगने इस नाम निहाद वफाकी हुकूमत के दौर में लगी है, आपके इल्म में है कि बहुत सारे ऐसे काले कवानीन बना दिए गए, फिर ये ऑर्डिनेंस निकाल दिए जाते हैं कि कोई इनको सच न कहे। ये कहते थे कि हम खुदकशी कर लेंगे अगर हमने कशकोल उठाया, हमने IMF के पास गए और उस वक्त उनको वो चुड़ैल लगती थी। अब जब फंस गए हैं अब उनको वो मिस वर्ल्ड लगने लगी है, और फिर उसकी सारी शरायत मान ली, और वो शरायत जिसे आम पाकिस्तानी जो है उसका जीना दोभर हुआ है। वज़ीर इत्तला'आत सिंध सईद गनी ने कहा है कि झूठी खबरों को बुनियाद बनाकर सियासी मुखालिफिन की जुबान बंदी के लिए पीका कानून में तरमीम की गई। सबसे ज्यादा झूठ PTI ने बोले। सजाओं का कानून भी खुद ही ला रही है। इमरान खान ने पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर अवाम का जीना मुहाल कर दिया। अजीब मजाक है कि खुद तो जो तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पर मचाया हुआ है, आज भी इनके लोगों ने जो तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है,
आज भी जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, गलीज तरीन इल्ज़ाम लगाते हैं सियासी मुखालिफिन पर, ये लगा रहे हैं और कानून भी लेकर आ गए कि किसी ने शायद कोई ऐसी बात कह दी है जो आली जनाब वज़ीर आज़म साहब को नागवार गुजरी है। इस किस्म के काले कवानीन किसी फौजी आमिर के दौर में भी आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे, जो आज के दौर में ये इमरान नियाज़ी की नाअहल नालायक को सिलेक्टेड हुकूमत कर रही है। जब तक ये नाअहल हुकूमत रहेगी, इसी तरह हर महीने पेट्रोल महंगा होगा, हर महीने बिजली महंगी होगी, हर महीने दालें महंगी होंगी, हर महीने सब्ज़ी महंगी होगी, हर महीने दवाएं महंगी होंगी और हर महीने लोगों की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद अजीरन होती जाएगी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अदम एतमाद के दिन नज़दीक आते ही इमरान खान खौफ में मुब्तला हो चुके, वज़ीर आज़म पेशावर से फ़ोन कराने की बजाय सियासी मैदान में मुकाबला करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि तहरीक अदम एतमाद हर सियासी जमात का आइनी और कानूनी हक है। अपोजिशन और पी डी एम में शामिल तमाम जमातें मुशावरत से ये तहरीक ला रही हैं। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, खौफ में मुब्तला इमरान खान हमारे अरकान पार्लियामान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान पेशावर से फ़ोन कॉल कराना बंद करें, आप सियासत के मैदान में सियासी अंदाज से मुकाबला करें। यह गैर आइनी हरकतें आपके खौफ और शिकस्त का वाज़ेह सबूत हैं। हुकूमत मुखालिफ लाहा अमल के लिए अपोजिशन की अहम क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। आसिफ अली जरदारी पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ओपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का मामला पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात तय। मुलाकात इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर होगी। मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत होगी, जबकि इत्तेहादियों से राब्तों के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमा अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से हिकमत अमली को हतमी शक्ल देंगे। मौलाना फजल रहमान सदर के एजाज में इशाया भी देंगे। हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल के लिए आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, चौधरी बरादरान और दीगर सियासी क्यादत से भी मुलाकात कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है, लाखों नौकरियों की बात करने वालों ने कौम को भिखारी बना दिया, इनका खेल खत्म हो चुका। जब खेल खत्म हो जाए तो तमगे दिए जाते हैं। इनकलाब आएगा और नाहल हुक्मरानों से जान छूट जाएगी, वो हांगू में जलसे से खिताब कर रहे थे। अब इन हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं और उस दिन आपने देखा कुछ खास खास लोगों को इनामात असनाद और तमगे तकसीम किए। तो जब खेल ख़त्म हो जाता है तो तमगे तकसीम किए जाते हैं, जब खेल ख़त्म हो जाता है तो इनामात तकसीम किए जाते हैं। तो इनका खेल अब ख़त्म हो चुका। इनकलाब भी आएगा, तब्दीली भी आएगी और इन अहमकों से ना अहलों से ना लायकों से ना जायजों से ये पाकिस्तान पाक होगा। हम पाक की पाक सरजमीन इस तरह के गंदे किरदारों के हवाले नहीं कर सकते और इंशाअल्लाह अज़ीज ये जंग हमने जीतनी है। देखिए, रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान का इक्तदार हिचकोले खा रहा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। पीटीआई के एमएनए अदम एतमाद में साथ देने के लिए राबते कर रहे हैं, वो सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। जिया नवाज शरीफ के एमएनए और एमपीए चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं। आज इमरान खान का इक्तदार जो है वो डोले खा रहा है, इक्तदार खत्म होने के करीब है। जिस तरह उसके एमएनए राबते कर रहे हैं कि साढ़े न अगले इलेक्शन का मुको तस्वीर खिलाफ मोड़ पा रहे हैं और आज अपने पार्टी के वर्करों की या जो लोग उसके साथ जो है जब इक्तदार में नहीं था उसके साथ जो लोग खड़े थे उनकी वहां पे कोई इज्जत नहीं है। सारे वहां पे लोटों डाकुओं और चोरों की इज्जत है जिनको कल गाली देता था। आवाम की मर्जी पे डाका डालता है, जो वोट की इज्जत पे डाका डालता है वो सबसे बड़ा डाकू होता है। वो ना सिर्फ कौम का मुजरम होता है बल्कि दुनिया और आखिरत में जो है वो खलके खुदा का और अल्लाह ताला का भी मुजरम होता है। विफाकी वजीर हमाद असर ने कहा है कि करप्ट अनासिर वजीर आजम के खिलाफ मुत्तहिद हो गए, आवाम चोरों और डाकुओं को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम को इमरान खान पर एतमाद है, अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, वो लाहौर में कारकुनों से खिताब कर रहे थे।
सारी दुनिया में लोग इकट्ठे होते हैं करप्शन के खिलाफ, ये वाहद तहरीक है कि सारे करप्ट लोग इकट्ठे हो गए एक ईमानदार आदमी के खिलाफ। लोग इमरान खान की सच्चाई को, मेहनत को और दयानत को पसंद करते हैं, पहचान चुके हैं। लोग इन चोरों के, डाकुओं के चेहरों को भी जानते हैं जिनके अकाउंटों में से 4.5-4 अरब रुपया निकल रहा है, जिनके चपरासियों के अकाउंटों में से। जैसे पहले ये 55 दफा कोशिश कर चुके हैं इक्तदार छीनने की, ये 56 दफा भी इंशाल्लाह ताला नाकाम होंगे और आप इंशाल्लाह चंद दिनों में देखेंगे। जहां पे इमरान खान ने जो तबाह मईशत के छोड़ के गए उसे बचाया, मुल्क को दोबारा मईशत को अपने पैरों पे खड़ा किया, आज 5.5% की शरह से मईशत बढ़ रही है, फल फूल रही है। जहां पे कोरोना जैसी वबा आई तो इमरान खान ने सही हिकमत अमली के साथ आज पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान महज NRO लेने की कोशिश है, PTI और इत्तेहादी अरकान मिलकर अपोजिशन को शिकस्त देंगे। समाजी रब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म किसी सूरत अपोजिशन को NRO नहीं देंगे, जबकि हुकूमत ऑपोजिशन की इस एहतसाब से बचने की कोशिश को भी नाकाम बनाएगी। उधर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की बैठक हुई, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका का कहना था कि सियासी राबते सियासत का अहम हिस्सा हैं, किसी को राबतों से मना नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने इत्तेहाद के मामलात पर तबादला ख्याल किया। आइंदा हफ्ते भी सियासी सूरत हाल को करीब से मॉनिटर करने का फैसला किया गया। क़यादत का कहना था कि राबते सियासत का अहम हिस्सा हैं, किसी को सियासी राबतों से मना नहीं कर सकते। अवामी मसाइल पर इत्तेहादी भी अपने हलकों की आवाम के सामने जवाब दे हैं। महंगाई, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से आए दिन आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है।